मॉडल ऑफ कम्प्लीमेंटेरिटी बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री टू जब हम बात करते हैं की, की तो वी कैन ऑब्जर्व दिसब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एट अ पॉइंट वेयर एग्रीकल्चरल ग्रोथ इंटरसैक्ट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर और अगर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इन एक्लिब्रियम ना हो तो वहाँ पर क्या सिचुएशन हो सकते हैं कि इट माइट बी पॉसिबल

इट वे के देर के बिकॉज ऑफ हाई फूड प्राइसेसेशन इन दी अब उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इस डायग्राम में आप कह लें हॉरिजेंटल एक्सिस पे ग्रोथ लिया और वर्टिकल एक्सिस पे इंडस्ट्रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है और जो मेरे पास नेगेटिवली स्लोप लाइन है इट रिपोर्ट द ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर और जो आप कहने पॉजिटिवली स्लोप्ड कर वे इट इज इट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अगेंस्ट डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके पास इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑब्जर्व होगा एट अ पॉइंट वेयर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर हम इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिनोट करें विदार और इक्विबनियम ग्रोथ को या बैलेंस्ड ग्रोथ को डिनोट करें विद जी स्टार बैलेंस्ड ग्रोथ कौन सी है दिस इज द ग्रोथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज इक्वल टू एग्रीकल्चरल ग्रोथ अब अगर हम यहां पर एज्यूम करें प्राइसिस ऑफ फूड इज टू लो बिकॉज ऑफ दैट टू लो प्राइसिस ऑफ फूड यहां पर आपके पास टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड वैल्यू ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड लाए अब दी इक्म टर्म्स ऑफ ट्रेड के पी टू डी टर्म ऑफ ट्रेड वेन प्राइसिस ऑफ फूड आइटम फूड आर टू लो जब प्राइसिस ऑफ फूड टू लो फूड इज टू लो होंगी देन देयर इज नो परचेजिंग कैपेसिटी टू परचेज द इंडस्ट्रियल गुड आर देयर इज लेस परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर तो यहां पर जो आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर से डिमांड आएगी फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स की ट इज डिमेंड कॉन्स्टेंट और जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा इट विल ग्रो एट अ रेट ऑफ जी टू फिर इसी पैटर्न पर अगर हम बात करें कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू पी वन ये पी वन कब होगा वेन प्राइसिस ऑफ फूड आइटम इज टू हाई जब ये टू हाई होगी प्राइस ऑफ फूड आइटम तो यहां पर क्या होगा देअ इज अ सप्लाई कॉन्स्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होगी इस सिचुएशन में उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं विद जी वन और ये जी वन किस चीज कैसे आप ऑप्टेन कर रहे हो कि हम देख रहे हैं कि वो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है पी वन वो आपके ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है फिर इसी पैटर्न पे वेन एवर देयर इज इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर बिकॉज ऑफ दैट इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर तो ये जो आपके पास ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर की कर्व है इट विल शिफ्ट अपवर्ड बिकॉज ऑफ दैट अपवर्ड शिफ्ट ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर आपके पास जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगे वो क्या होंगे और फिर इसी पैटर्न पर जो आपके पास ग्रोथ होगी balanced growth, it will be reported with g2. In a situation mein when there is improvement in the productivity of the agricultural sector, there is improvement in the industrial terms of trade or sahmak there is also increase in the industrial growth. again, pattern pattern the initial equilibrium the point where growth of industrial curve and growth of agricultural curve intersect.

डिरोट लेकिन जो आपकी ग्रोथ है इन एग्रीकल्चर सेक्टर इट विल इंक्रीज के देर इज इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ बट एट देंस ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड अब अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं कि वेन एवर देअर इज एन इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो यह क्या करता है इट शिफ्ट द एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट करफ उटवर्लड जब वो आउटवर्ड करेगा तो इट लीड्स टू हायर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एन इम्प्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड लेकिन साथ में अगर हम बात करें जी की प्रोडक्टिविटी in तो आपकी जो इंडस्ट्रियल है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कर्व है इट विल शिफ्ट आउटवर्ल्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर्व आपके इट विल Results in higher industrial growth, but at the expense of worse terms of trade for the industry.